नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है, और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है, सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली, समय उसी का होगा। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहे। जो सदैव भगवान को याद करता है उसे पाप कभी नहीं छू सकता। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। जो मौन रहते हैं और कम बोलते हैं वे विवादों से दूर रहते हैं। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो यह स्वतः ही आ जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।